Guys, welcome and welcome back to my channel. And if you're new to this channel, then please take a moment to subscribe to the channel because it's absolutely free for you and means a lot to me. Alright guys, so आज हम share करने वाले हैं एक दूसरे के साथ. नहीं, actually मैं आपके साथ. I'm freaking tired. Okay, so today I'm gonna share top 10 new lipsticks. Again, I am back with lipsticks. A big round of applause for me. Because you guys seems to love my lipstick collection. And जब भी lipstick पर video बनाती हूँ, you guys always want me to make video on only lipsticks. So yes, I'm back again. And this time I'm gonna share my favorite lipsticks for summer season. Now summer season में बिल्कुल pale lipstick भी अच्छी नहीं लगती है. बिल्कुल hot, plum ये सब भी अच्छा नहीं लगता है मुझे. मतलब मेरा taste ऐसा नहीं है. I like to be bright but subtle. And you know my kind of taste. Like this is what I'm wearing is my kind of taste. इस type के shades like जो बहुत ही rosy से, pinky से, nude, brown हो but बहुत ऐसा सटल ना हो कि समर के अकॉर्डिंग हो. बिल्कुल ही मैं बीच वाली शेड, ऐसे बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं, बहुत ज़्यादा पेल नहीं. इट शुड बी लाइक वेरी अप्रोप्रिएट के बेसिकली आपका चेहरा समर में बहुत डल सा, टायर्ड सा होता है, ओ तो उसको बहुत ब्राइटन अप कर दे, बहुत छटाक सा लगे आपका फेस. एंड ऐसी कोई बहुत ज़्यादा ब्राइट लिपस्टिक भी ना हो कि आप बिना मेकअप के उसको कैरी ना कर सकते हो. लाइक आप कोई भी मेकअप कैरी ना करो तो भी एकदम से जान आ जाए आपके फेस में लिपस्टिक अप्लाई करने के बाद. आई लाइक दीज काइंड ऑफ शेड्स. आई लाइक वेयरिंग दीज काइंड ऑफ शेड्स इन समर. सो उस टाइप के शेड्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ. सो आई एम गोना शेयर टॉप 10 लिपस्टिक्स विथ यू एंड दैट टू ऑल ऑफ देम आर अंडर 1000 रुपीज. सो येस, दैट इज अ प्लस पॉइंट. और ये मैं इनको ध्यान में रखा, मैंने काफी चीजें ध्यान में रखी हैं. नॉट ओनली द शेड्स, आई रियली वांटेड द लिपस्टिक विच इज ऑल्सो लॉन्ग लास्टिंग. ऐसा ना हो कि गर्मी में लिपस्टिक जल्दी बह जाती हैं. दैट इज अ फैक्ट बिकॉज पसीना वगैरह भी आता है, मॉइस्चर हो जाता है तो जल्दी बह जाती हैं. आई डोंट वांट दैट कि बहुत जल्दी लिपस्टिक हट जाए. ऑल्सो द लास्टिविटी एंड सब कुछ मैंने दिमाग में रखकर ये लिपस्टिक डिसाइड किया. सो दैट इज, इट इज हेल्पफुल फॉर यू. एंड अगर आप इसमें पैसे डालते हो तो आपके पैसे वेस्ट ना हो, दिस इज द ऑब्जेक्टिव. लाइक मेरा बेसिकली ये ऑब्जेक्टिव रहता है हर वीडियो में कि पैसे वेस्ट नहीं होने चाहिए आपके भी और मेरे भी. सो दैट इज वॉट इट इज. एंड येस, विदाउट फर्दर ड्यू, लेट्स क्विकली स्टार्ट विद द वीडियो. फर्स्ट आई एम गोना हैंड स्वैच इट एंड देन आई एम गोना लिप स्वैच इट सो दैट यू कैन सी द एग्जैक्ट shade how it looks like on my face. So you can figure out what you want to buy. And yes, without further ado, let's quickly start. तो सबसे पहली बात तो इसमें कोई भी ऐसा शेड नहीं है जो किसी भी स्किन टोन को वॉश आउट कर जाएगा. सारी शेड्स बड़े सटल से है. थोड़े स्किन टोन पे कुछ अलग दिखेंगे, थोड़े स्किन टोन पे कुछ अलग दिखेंगे, बट सारे ही बहुत ही अच्छे शेड्स हैं. स्टे बहुत अच्छा है, बहुत ही प्यारे सुंदर से शेड्स हैं. सो यू लव देम. सो आई एम गोना स्टार्ट ऑफ विद द नायका का मोल्टन मैट लिप एंड चीक कलर. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. दिस इज इन द शेड 01 रेचल. दिस इज ब्यूटिफुल ऑरेंजी पीची कलर एंड आई रियली लाइक द एप्लीकेटर ऑफ दिस वन. रियली लॉन्ग लास्टिंग. आप इसको चीक टिंट की तरह भी यूज कर सकते हो बिकॉज इट इज वेरी मूस लाइक टेक्स्चर. इट इज नॉट अ मैट. एंड जब आप इसको लिप्स पर लगा लेते हो इट स्लाइटली ट्रांसफर बट आफ्टर दैट इट सेट्स इन योर लिप्स. आपकी लिप्स पर सेट हो जाती है एंड इट देन इट डज नॉट ट्रांसफर. सो दिस इज द शेड. सच ब्यूटिफुल फॉर स्प्रिंग समर सीजन एंड आई रियली लाइक दिस शेड. न्यूड लगेगा काफी लोगों पर, काफी लोगों पर. मैं जो बहुत ज्यादा फेयर है मेरी तरह उन पर बहुत ज्यादा ब्राइट लगेगा. एंड आप मुझसे भी फेयर हो तो भी आप पर बहुत अच्छा ब्राइट सा कलर लगेगा. एंड अगर आप थोड़े से ही डस्की हो तो उसको थोड़ा सा न्यूड लगेगा बट इट विल नॉट वॉश यू आउट. सो दिस इज हाउ द कलर लुक्स लाइक. आई रियली लाइक द एप्लीकेटर ऑफ दिस वन. मेबेलिन की लिपस्टिक वाला एप्लीकेटर है सो इट इज रियली ईजी टू अप्लाई. दिस इज हाउ द शेड लुक्स लाइक. लिपस्टिक वाय वेट एंड वेट विच इज सच अ फ्लैटरिंग शेड. इट पीपल लव इट, टॉक्स अबाउट इट एंड इट सच अ ब्यूटिफुल ब्राउन टोन शेड. दिस इज द शेड गिव मी मोका एंड काफी ज्यादा फेमस है ये शेड इफ यू नो. एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. अगेन अ न्यूड ब्राउन कलर. एब्सोल्यूटली लव इट. ये दोनों काफी ज्यादा सेम लग रहे हैं आपको बट नो, दे आर नॉट सेम. दिस इज मोर ऑफ अ ब्राउन कलर एंड दिस इज मोर ऑफ अ पीची कलर. इफ यू सी लाइक दिस, क्या होता है लाइटिंग की वजह से सारे शेड्स ऐसे लगने लगते हैं. कुछ शेड्स अगर थोड़ी सी सिमिलरिटी होती है तो सेम लगने लगते हैं बट दे बोथ आर क्वाइट डिफरेंट. एंड न्यू लिपस्टिक तो काफी ज्यादा सिमिलर लगती है एक दूसरे से बट लिप्स पर लगाने के बाद दिस इज डिफरेंट. दिस इज गोना लुक वेरी डिफरेंट. ये किसी भी स्किन टोन को वॉश आउट नहीं करेगा एंड सारी स्किन टोन पर एक बहुत ही प्यारा न्यूड कलर लगेगा. सो आई रियली लाइक दिस शेड.
I have really beautiful bright shade. This is the Pack Sweet Sensation Lip Cream. This is in the shade Go Getter, which is beautiful bright shade, and this is a mousse like lipstick, pink lipstick, very comfortable to wear, very very beautiful mousse texture है. तो again आप इसको cheek tint की तरह use कर सकते हो, face पर apply कर सकते हो to get very natural flush of colors, and बहुत ही ज़्यादा again प्यारा pinky coral सा shade है. बहुत fresh लगेगा आपका face को लगाने के बाद, खिल उठेगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा color है. Really like this too. नेक्स्ट अप आई हैव नायका अल्ट्रा मैट. नो, मैं आपको चारों शेड नहीं दिखाने वाली हूँ. आई एम जस्ट गोना शेयर टू वन शेड विथ यू, एब्सोल्युटली वन ओनली, विच इज द ऑर्डरे वन, बिकॉज दैट्स अ पिंकियर वन, बिकॉज ऐसे और भी शेड्स हैं हमारे पास इस रेंज में. सो मैं आपको सिर्फ ये शेड दिखाने वाली हूँ, बट दीज लिपस्टिक्स आर सो ब्यूटिफुल. चारों शेड मेरे फेवरेट हैं, एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल अडोरेबल लिपस्टिक्स. बहुत अच्छा स्टे है, बुलेट लिपस्टिक्स हैं तो कम्फर्टेबल टू वेयर हैं, बहुत अफोर्डेबल भी हैं. एंड माई फेवरेट शेड्स आर जेन, नेफर्टिटी, हेलेन एंड ऑड्रे. ये चार शेड इस रेंज में से मेरे फेवरेट हैं. आई लव फोर ऑफ देम. स्टे अच्छा है, कंफर्टेबल है, लॉन्ग वेयरिंग है, एंड दे आर रियली ब्यूटिफुल. और कलर चारों ही बहुत अच्छे हैं. आई स्वेच देम फॉर यू. दिस इज द शेड ऑड्रे विच आई एम शोइंग यू इन दिस रेंज, बिकॉज दिस इज द प्योर पिंक कलर. सो वी रियली नीड अ पिंक शेड फॉर दिस समर सीजन. सो दिस इज द वन, दिस इज द शेड ऑड्रे, एंड इज सच अ ब्यूटिफुल पिंक कलर. आई एब्सोल्युटली लव दिस कलर. दिस रिमाइंड्स मी ऑफ हुडा ब्यूटी रॉन्डे वो, विच इज लाइक सिमिलर टू दिस वन, ऑलमोस्ट सिमिलर. सो दिस इज द शेड एंड आई रियली love it. A lip crayon which is by Faces Canada intense lip primer, and this is in the shade Hazel. I absolutely love how comfortable, how beautiful this is. Like, these shades are my cup of tea. This shade particularly is so beautiful. It's more of brighter peachy orangey coral color, and it's so beautiful. And especially this range, I have 2 to 3 shades in this range, and this range is so beautiful. बहुत easily apply हो जाते हैं. इनका जो applicator type of thing है, like ये जो shape है, उसकी वजह से बहुत easily apply हो जाते हैं. बिल्कुल भी outline नहीं होता है, lips के बाहर नहीं जाता है. बहुत comfortable हैं and बहुत ज़्यादा long staying है, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं. ये थोड़े से expensive हैं, but they are again they worth your money. So this is the shade. A cool warmish sa grayish sa NYX ka color, and this is the NYX powder puff lippy, and this is in the shade Cool Intentions. Now this is beautiful brown color. जब आप थोड़ा सा colorful and mauve kind of color जाना चाहते हो, थोड़ा सा पेलिश सा, न्यूड सा, ये एक्चुअली लिप्स पर लगाने के बाद बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है. आई एब्सोल्युटली लव दिस कलर. यू विल सी जब मैं इसको अप्लाई करूंगी, दिस लुक्स क्वाइट ब्यूटिफुल, वेरी वेरी समर अप्रोप्रिएट, एंड आई रियली लाइक दिस कलर. बहुत ही ज़्यादा अच्छा कलर है, एंड द एप्लीकेटर इज ऑल्सो लाइक रियली नाइस, और बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है लगाने के बाद. एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. दिस विल सूट एवरी स्किन टोन, एवरी स्किन टोन. फेयर पर ही थोड़ा सा ब्राइट लगेगा, बट एज यू विल गो डस्की, ये थोड़ा सा न्यूड होता जाएगा. दिस इज सच अ ब्यूटिफुल शेड.
नेक्स्ट अप आई हैव द नायका का लिपस्टिक इन द शेड बॉम्बे. दिस इज द नायका का मैट रेंज, आई डोंट नो, मैट टू लास्ट लिक्विड लिपस्टिक है ये. एंड दिस इज अ ब्यूटिफुल पिंकी पीची कलर. इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा वाटर लाइक है, बहुत लाइट वेट होते हैं लिप्स पर एंड बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग है. सो दिस इज ब्यूटिफुल पिंकी पीची कलर एंड दिस इज वन ऑफ दोज वेरी वेरी सटल कलर्स. बहुत ज्यादा सटल है, बहुत ज्यादा ओवर टॉप नहीं लगता है एंड हर स्किन टोन पर बहुत ज्यादा सटल लगेगा, बहुत ज्यादा प्यारा लगेगा. एंड दिस विल वॉश आउट नन ऑफ द इंडियन स्किन टोन, सारी स्किन टोन पर ये चला जाएगा. सो दिस इज हाउ द शेड लुक्स लाइक. नेक्स्ट अप आई हैव अ मैट लिपस्टिक लिप क्रियॉन. एक्चुअली दिस इज द शुगर का मैट लिप क्रियॉन इन द शेड, दिस इज मैट टू मैट अटैक ट्रांसफर प्रूफ लिपस्टिक इन द शेड डी पीच मोड, विच इज अ ब्यूटिफुल ब्राइट पीच कलर. वी हैव सो मेनी पीचेस इन दिस रेंज बट दिस इज अ ट्रू पीच कलर. लुक एट दैट, हाउ ब्यूटिफुल दैट इज. लाइक दीज लिपस्टिक्स आर कम्प्लीटली ट्रांसफर प्रूफ वंस दे सेटल डाउन इन योर लिप्स एंड उसके बाद ये बिल्कुल भी ट्रांसफर नहीं होते हैं. ऑल्दो दैट दिस इज सो कम्फर्टेबल टू अप्लाई, बहुत ईजिली सॉफ्टली अप्लाई हो जाती है बिकॉज ऑफ बींग इट इज अ क्रीम लिपस्टिक, बट अप्लाई होने के बाद दे कम्प्लीटली ट्रांसफर इन टू मैट. इट इज कम्प्लीटली अ मैट अटैक ऑन योर लिप्स. सो यू हैव टू रियली मॉइस्चराइज योर लिप्स वरना आपके लिप्स थोड़े ड्राइंग हो जाएंगे बिकॉज ये कम्प्लीटली ड्राई हो जाती है एंड बहुत ज्यादा लॉन्ग स्टे है इनका एंड इट इज अ ब्यूटिफुल पीची पीची कलर. Now I have something really affordable, really really affordable. This is the Nikaki True Matte Lipstick. It is in the shade Turkish Rose and this is a beautiful rose color. Although it is so affordable, it is so drying on lips. आपको उसको अच्छे से लिप बाम लगाना पड़ेगा मॉइस्चराइज. दिस इज वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर कलर्स. आपको काफी अच्छे से मॉइस्चराइज करना पड़ेगा, देन दिस विल सूट यू. अदरवाइज दिस इज वेरी ड्राइंग एंड दिस इज ऑलवेज अवेलेबल ऑन 50% डिस्काउंट. तो ये आपको 190 कुछ की नायका पर मिल जाएगी. दिस इज सो ब्यूटिफुल लिप पर अप्लाई होने के बाद दिस कलर इज लाइक ओह सो गॉर्जियस, सो ब्यूटिफुल. ऑल्दो दिस इज सो चीप बट द कलर और डूड इज सो डैम ग्रेट. आई रियली लाइक द कलर एंड ये किसी भी स्किन टोन को वॉश आउट नहीं करेगा ऑन डार्कर स्किन टोन्स. लाइक थोड़ा सा डार्क होगा तो ये थोड़ा सा न्यूड लगेगा. ऑन माय स्किन टोन इट इज लाइक थोड़ा सा ब्राइटिश सा बट इट इज सो ब्यूटिफुल. बहुत ही अच्छा कलर है, बहुत ही प्यारा है एंड लगाने के बाद बहुत ज्यादा फ्रेश लगता है. सो दिस इज हाउ द शेड लुक्स लाइक. I have is the Lakme Forever Matte Lipstick and इसमें मुझे दो shades बहुत ज्यादा पसंद है. This is the shade Nude Myth. I love the shade Nude Twist but जो Nude Twist है वो गिव मी मोका जैसा सेम टू सेम कलर है. सो मैंने वो नहीं दिखाया है बट मुझे वो शेड भी बहुत ज्यादा पसंद है. सो दिस इज अ पीची कलर, ब्राउनिश पीची कलर. सो दिस इज मोर ऑफ पिंकी पीची कलर. लाइक सारे कलर्स एक पीची पिंकी ब्राउन टोन में ही होंगे, ऑब्वियसली न्यूड कलर्स हैं, ऑल ऑफ देम आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर एंड वेरी ब्यूटीफुल इन देयर ओन वे. ऑलमोस्ट सारे कलर्स आपको एक जैसे इसलिए लग रहे होंगे, मतलब सारे ही नहीं कुछ कलर्स लग रहे होंगे बिकॉज ये सारी न्यूड लिपस्टिक है. तो ऑब्वियसली न्यूड लिपस्टिक्स काफी सिमिलर होती हैं बट अगेन अगर आपको लिपस्टिक का टेस्ट है तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा कैसा लग रहा है और आप पर कौन सा कैसा लगेगा. अगर टेस्ट नहीं है तो ऑल द शेड्स. सो गाइस
गाइज दैट वॉज इट फॉर टूडेज वीडियो. आई शेयर ऑल माई फेवरेट लिपस्टिक्स, ब्यूटिफुल ब्राइट ब्यूटिफुल न्यूड कलर्स फॉर दिस समर सीजन. आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड आई सी यू नेक्स्ट टाइम इन माई नेक्स्ट वन. टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, योर फैमिली. बाय बाय.